शुक्रवार को स्थानीय बाल विहार ग्राउंड पर निर्माण मजदूर संघ और हाथ ठेला यूनियन के सदस्यों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर नगरपालिका अध्यक्ष अमिता अरोरा का भव्य सम्मान समारोह रखा, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष अमिता अरोरा, सांसद प्रतिनिधि जसपाल अरोरा का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष अमिता जायसवाल अरोरा ने उपस्थित सभी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मजदूरों को आवास सुविधा, रोजगार के लिए ऋण सुविधा, जिन मजदूरों के नाम गरीबी रेखा से वंचित है उनके नाम जोड़े जाएंगे, वृद्ध मजदूरों को वृद्धावस्था पेंशन दिलवाई जाएगी, हजारों की संख्या में शहर में दुकानें निर्मित कराई जाएंगी, लगभग 100 दुकानों को महिला मजदूर वर्ग के लिए हॉकर जोन बनाकर प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष ने अतिरिक्त टीन शेड का उद्घाटन भी किया और मजदूर भाइयों को पीने के पानी के लिए तत्काल नल लगवाए जाने की घोषणा की। साथ ही मजदूर संगठन को 11,000 रुपए नगद राशि प्रदान की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से निर्माण मजदूर संघ अध्यक्ष गणेश दादा, सचिव पप्पू यादव, सहायक मौलाना अंसार भाई, हाथ ठेला यूनियन अध्यक्ष विजय गुप्ता, संगठन मंत्री शंकर यादव, विमल जैन, पार्षद जितेंद्र साहू, आरिफ पहलवान, दिनेश और राकेश सहित सैकड़ों की संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे। इन गरीब वर्ग के लिए आज 15-20 सालों से इनकी कोई सुनवाई नहीं थी। ये बेचारे धूप में, बारिश में सड़क पे खड़े होके दिन भर चिलचिलाती धूप में काम करते हैं और इनकी इनकी मेहनत से इनकी ही ये लोग खाते हैं और इनकी मेहनत से ही अपन लोग इस मकान में, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। तो इनकी देखरेख कोई भी नहीं थी, इसलिए इनके लिए ये शेड बनाया गया है ताकि ये आराम से और उस शेड के नीचे बैठ के इज्जत से अपने किसी भी काम पे, नगर पालिका की राशि से ही ये शेड बनाया गया। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।